नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ विथ होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में, जिसको हम सनस्ट्रोक भी बोलते हैं और आम भाषा में लू लगना भी बोलते हैं। तो हम जानेंगे आज इस वीडियो में कि क्या है हीट स्ट्रोक, क्या उसके साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, आप घर में कैसे उसको ठीक कर सकते हैं और होम्योपैथी में आप उसकी क्या दवाई ले सकते हैं और क्या चीज़ ऐसा करें हम जिससे हम हीट स्ट्रोक से बच सकें, जिससे हमें लू ना लगे। तो पहले मैं डेफिनेशन बताती हूँ हीट स्ट्रोक क्या है। इट इज़ बेसिकली रिजल्ट फ्रॉम प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर, यूजुअली इन कॉम्बिनेशन विथ डिहाइड्रेशन, विच लीड्स टू द फेलियर ऑफ द बॉडी टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम। मेडिकल डेफिनेशन अगर हम बात करें तो को बॉडी टेम्परेचर मोर देन 104 फेरेनहाइट विथ कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्विंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हेन एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर। या तो 104 फेरेनहाइट से ज़्यादा है आपकी बॉडी टेम्परेचर, या उसको हम 40 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा है अगर आपकी बॉडी टेम्परेचर, तो फिर आपको हम बोल सकते हैं कि आपको हीट स्ट्रोक हुआ है। इट इज़ अ सीरियस फॉर्म ऑफ हीट इंजरी। It can kill or cause brain damages also and may involve some organs further. तो हमें क्या करना है, इसको बचाना होगा। मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमको स्ट्रोक ना हो, और अगर है तो हम तुरंत क्या कर सकते हैं। इसके सिम्टम्स पहले जान लेते हैं। पहले तो आप फेंट हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, वो बहुत फर्स्ट सिम्टम है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर जो मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉरमोस्ट 104 फेरेनहाइट से ज़्यादा आपको मिलेगा। दूसरा अगर देखें तो आपको हेडेक होगा और थ्रॉम्पिंग हेडेक होगा, ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे बंद हो रहा है, बुझ रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, ऐसी फीलिंग आएगी और कंटिन्यूसली आएगी। आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होगी मगर आपको स्वेटिंग नहीं होगी, आपकी स्किन रेड हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, ये भी एक सिम्टम्स हैं इसके। इसके अलावा आपको डिजीनेस लगेगा, या हो सकता है हल्का हल्का सर में दर्द भी हो आपको। मसल्स वीकनेस होंगे, मसल्स में क्रैम्प देख सकते हैं आप। इसके अलावा नौजिया वॉमिटिंग भी कॉमन है। समटाइम्स यू हैव इंक्रीज्ड रैपिड हार्ट बीट्स, और आपको हार्ट बीट्स लगेगा कि बहुत ज़्यादा तेज तेज चल रही है। अगर हम ब्रीदिंग के बारे में बात करें तो रैपिड होगी बट शैलो ब्रीदिंग रहेगी। इसमें कन्फ्यूजन भी कई बार हो सकता है और कई बार पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस होकर गिर भी सकता है या बेहोश भी हो सकता है। आपको लगता है कि आपको लू लग गई है, स्ट्रोक हो गया आपको, या आपके पहचान वालों को अगर ऐसा लग रहा है तो आप तुरंत मेडिकल हेल्प लें। इससे पहले कि आप मेडिकल हेल्प लें या हॉस्पिटल जाएं या डॉक्टर अब तक पहुंचे, मीनवाइल आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कोई रास्ते में जा रहा था, ऑफिस में है या कहीं और है, और उसको हीट स्ट्रोक आ गया, अनकॉन्शियस हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं। पहला चीज़, अगर घर में है तो इस इंसान को आप धूप से हटा के छांव में रखिए, शेड में रखिए, उसकी स्किन को गीला कीजिए, या तो बैंडेजिंग कर दीजिए। अगर पेशेंट बेहोश नहीं है तो उसको धीरे धीरे पानी दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट दीजिए या ग्लूकोज वाटर दीजिए, नारियल पानी भी आप इस कंडीशन में दे सकते हैं। इसके अलावा आप स्पॉन्जिंग कीजिए, अगर आप एसी में रखें उसको, फैन में रखें, छाव में रखें, ठंडी जगह रखें, उसकी स्किन को गीला रखिए। अननेसेसरली क्लोथ्स, अगर उसने बहुत ज़्यादा क्लोथिंग पहनी हुई है तो आप उसको हटवा दीजिए या हटा दीजिए। इसके अलावा आप आइस पैक लगा सकते हैं। किस जगह पे लगाना है वो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आर्मपिट हो गया, ग्रोइन रीजन हो गया, नेक हो गया और बैक हो गया। यहाँ मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स काफ़ी क्लोज होते हैं स्किन की तरफ, तो फटाफट आपका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप आइस पैक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट टब में ठंडा पानी रखिए और उसमें उसको डिप कर दीजिए आपके पेशेंट को मीनवाइल। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि कोल्ड शावर भी दिला सकते हैं, ठंडे पानी से भी नहला सकते हैं। अगर स्पॉन्ज नहीं करना है, उससे भी आपको ठीक नहीं हो रहा है, तो आप फिर ये काम कर सकते हैं। एक्सट्रीम हीट स्ट्रोक में कई बार हम आइस में भी डिप करवाते हैं, लेकिन वो सिर्फ यंग एडल्ट्स के लिए है जिनको कोई बीमारी नहीं है। ना तो आप किड्स को करवा सकते हैं और ना ही एल्डरली पीपल को करवा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। कहाँ पे हम ज़्यादा देख सकते हैं, किस एज में देख सकते हैं हीट स्ट्रोक, तो इन्फेंट्स में बहुत आराम से 10 मिनट के लिए अगर आप गर्म टेम्परेचर में गए तो भी बच्चों को लू लग सकती है, और फिर उसके बाद 4 to 6 ईयर्स एज में भी कॉमन है। इसके अलावा फिर एल्डरली पीपल 60 प्लस, उनको भी लू लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर वो हाई टेम्परेचर में जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी जिनको कोई डिजीज़ है, किसी तरीके की बीमारी है या दवा चल रही है, उनको भी बचना चाहिए।
अब हम बात करते हैं कि आप हीट स्ट्रोक कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे आप लू लगने से बच सकते हैं। पहला काम, अपने आप को गर्मी में बहुत हाइड्रेट रखिए, मतलब पानी पीजिए। जो भी आप पानी पी रहे हैं उससे 2 ग्लास पानी हमेशा पिए, मतलब 10 ग्लास पानी तो पीना ही है। उसके अलावा आप जूसेस, फ्रूट, वेजिटेबल जूस भी ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस भी ले सकते हैं, ये आपको लेना है। तो ओवरऑल दैट मीन्स प्लेंटी ऑफ फ्लूइड शुड बी देयर इन योर डाइट ड्यूरिंग समर, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप बाहर ना निकलें घर से 12 से 5 बजे के बीच में, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पीक में होती है। और अगर निकल रहे हैं तो लाइट कलर के कपड़े पहन के निकलिए और लाइट वेटेड एयरी कपड़े पहन के निकलिए। कवर करके रखिए अपने आपको, और घर से निकलने के पहले आप ज़रूर पानी पिए 2 ग्लास, फिर कहीं रुक रहे हैं 1 घंटे में फिर वापस 1 ग्लास पानी पिए, और फिर घर में आने के बाद भी आप वापस पानी पी सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर वापस लीजिएगा पानी का, वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो शेड देखिए, ठंडी जगह देखिए, एसी में रहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तुरंत ये भी ध्यान रखना है आपको कि एसी से निकल के एकदम धीप धूप में नहीं जाना है, उसमें भी कई बार आपको धूप लगने के चांसेस हो सकते हैं। सन प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सनस्क्रीन लगाइए जो कि 30 SPF से ऊपर हो, वो भी एक लेयर बन जाता है, तो हीट एब्जॉर्प्शन में काफ़ी टाइम लगता है अगर आप सन प्रोटेक्शन लेके चलते हैं। छाता भी हो सकता है, बॉडी कवर भी कर सकते हैं। ठंडी जगह रहिए, शेड जगह पे रहिए, कूलर एसी में रहिए। घरेलू नुस्खे अगर हम देखें, घरेलू उपचार जो करते हैं तो उसमें आप आम पना पी सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं, सत्तू पी सकते हैं, या आपके लोकल एरिया में जो भी आप लोग लेते हैं वो ले, नारियल पानी ले, प्लेंटी ऑफ वाटर ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, ये सबसे भी लू लगने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डाइट लीजिए, या आपका जो भी जूस है ड्रिंक है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो ग्लूकोज वाटर, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, ये भी आप पानी में मिलाकर पी सकते हैं पूरे गर्मी। ऑल्टरनेट डेज अगर आपको कोई किडनी रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो। ये जो मैं बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज का, ये बहुत ध्यान रखिए। आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे कि कई बार क्या होता है, एक्सरसाइज कर रहा है यंग लड़का है और सडनली कोलैप्स कर गया। कई बार क्या होता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हम बीच में पानी लेना भूल जाते हैं, हीट स्ट्रोक हो सकता है, उससे सीवियर डिहाइड्रेशन में चला जाता है पेशेंट, और उसके बाद फिर उसको हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इस कंडीशन में अगर आप गर्मी में एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो एसी रूम हो, फैन हो, कूलर हो, आप हमेशा ध्यान रखिए एक्सरसाइज करने के आधा घंटा पहले एटलीस्ट आप 250 ml ऑफ वाटर लेके जाएंगे, और हर 20 मिनट में या 1 घंटा में आपको 1 ग्लास पानी पीना है। तो हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, आपकी बॉडी टेम्परेचर फिर अचानक से बढ़ जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और कई बार फिर जो एक्सरसाइज करते हैं उनको हीट स्ट्रोक हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप यूरिन कलर का ध्यान रखें, अगर डार्क येलो हो रहा है यूरिन तो फिर मतलब है कि आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, आपको पानी पीने की आवश्यकता है। और अगर यूरिन का कलर सफ़ेद है तो आप परफेक्टली हाइड्रेटेड हैं, आप एकदम ठीक है जाने के लिए भी, बाहर आने के, बट फिर भी कोशिश करिए कि धूप में ना जाएं। आपको क्या अवॉइड करना है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे लू लग गई है, आप बीमार हैं, तो आप क्या करेंगे, अल्कोहल का सेवन बंद कर देंगे, कैफीन का भी बंद कर देंगे, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन और बढ़ा देगा, आपकी मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी उसके साथ। एक चीज़ और ध्यान रखना है, पानी जो मैं बोल रही हूँ कि 10 ग्लास विथ प्लेंटी ऑफ वाटर और फ्लूइड इनटेक बढ़ा देना है, ये उन पेशेंट्स को नहीं है जिनको किडनी, हार्ट, लीवर, एपिलेप्सी, इसकी कोई भी दवा चलती है या बीमारी है। हमेशा ऐसे पेशेंट डॉक्टर की सलाह लेकर ही पानी बढ़ाएंगे, ये बहुत ज़रूरी बात है। अब आते हैं हम होम्योपैथी दवा के बारे में। सबसे पहला नाम, फर्स्ट रेमेडी है ग्लो 930। ये आप हमेशा अपने पास रखिए, अपने बैग में रखिए, जब भी आप धूप में निकलते हैं आपको लग रहा है मुझे गर्मी लग गई है, तो आप एक सिंगल डोज ग्लो 930 डाइल्यूशन का 2 ड्रॉप अपने जीभ में डाल सकते हैं। अगर आपको लग गया कि मुझे लग रहा है कि मुझे लू लग गई है, तो ग्लो 930 का डाइल्यूशन किसी भी एज में आप दे सकते हैं। बच्चे हैं तो 1 चम्मच पानी में 2 ड्रॉप दिन में 3 बार देना है आपको, 2 से 3 दिन, जब तक आपको लगे कि नॉर्मल टेम्परेचर हो गया है। आप बड़े हैं तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं 2 ड्रॉप सीधे जीभ में दिन में 3 बार, एटलीस्ट 4 दिन के लिए। इसके साथ आप जेलसीमियम 30 भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ड्राउजीनेस लग रहा है और मुझे वीक लग रहा है, मेरे मसल्स वीक लग रहे हैं, ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, या मन नहीं कर रहा है, लेजी लग रहा है, तो आप ग्लो 930 के साथ जेलसीमियम 30 ऐड कर सकते हैं।
और इसके डोजेस भी रहेंगे सुबह शाम, दिन में 2 बार लेना है, दो दो ड्रॉप्स, और एटलीस्ट 4 डेज लेना है एंड देन स्टॉप कर देना है। अगर आपको लू लगी है और बुखार आ गया है तो आर्सनिकम एल्बम 200 का एक सिंगल डोज लेना है एक दिन। तो ऐसे आपको 3 दिन लगातार लेना है और फिर बंद कर देना है। अगर लू लगने से आपको सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपका फेस बहुत रेड हो गया है, हॉट फ्लैश दिख रहा है, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उस केस में आप बेलोडोना 200 दिन में 2 बार ऐसे 3 से 4 दिन कंटिन्यूसली ले सकते हैं। 2 ड्रॉप रहेंगे डाइल्यूशन के 1 चम्मच पानी में, और 3 दिन के बाद अगर आपका हेडेक ठीक हो जाए, आप बेटर फील करते हैं, तो आप फिर स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हेडेक है आपको और प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा है, मन कर रहा है बहुत पानी पिए, तो ब्रायोनिया 30 सबसे बेस्ट मेडिसिन है, वो आप ग्लोनाइन के साथ और जेलसीमियम के साथ ऐड कर सकते हैं। दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम, दो दो ड्रॉप्स, और 3 दिन के बाद फिर बंद कर देना है। आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव, प्लीज़ शेयर, क्योंकि अब गर्मी के दिन आ गए हैं, लू किसी को भी लग सकती है, तो क्यों ना हम पहले से ही प्रिकॉशंस ले लें और ये दवाएं आप घर पे खरीद के रख सकते हैं। कभी भी आपको लगा कि आपको या आपके फैमिली को लू लग गई है, तो आप प्राइमरी ये सब दवाएं होम्योपैथी की दे सकते हैं और डेफिनेटली ये वर्क करने वाली है। उसके साथ मैंने आपको बताया कि प्लेंटी ऑफ फ्रूट चालू कर देना है, स्पॉन्जिंग कर सकते हैं और आप एकदम परफेक्टली फाइन हो जाएंगे। अगर लगता है कि घर में नहीं ठीक होने वाला है तो आप नज़दीकी हॉस्पिटल जाएं और वहां पे अपना ख्याल रखें, पानी बहुत पीजिए क्योंकि गर्मी है। और एक रिक्वेस्ट और रहेगी, अपने घर के बाहर या बालकनी में कहीं पे भी आप मिट्टी के बर्तन रखें, उसमें पानी जरूर रखें, क्योंकि गर्मी हमारे लिए नहीं, बर्ड्स के लिए भी हो गई है और एनिमल्स के लिए भी हो गई है, तो उनको भी हम ही हेल्प कर सकते हैं। प्लीज डू दैट। अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिएगा।